इंदौर के जिला जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच विवाद की घटना सामने आई। आपको बता दें कि जिला जेल में बंद कैदी किसी बात को लेकर आपस में जमकर भिड़ पड़े, जिसके बाद एक कैदी को गंभीर चोटें आई और जेल प्रबंधक ने उसे इलाज के लिए MY हॉस्पिटल भेजा। जानकारी के मुताबिक जेल के अंदर ड्रग्स माफियाओं के दो गिरोह में आपस में विवाद हो गया और इस विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के शादाब पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया, जिसके बाद शादाब को गंभीर चोटें आई है। फिलहाल विवाद पुराने कारणों के चलते हुआ है। मामले में जेल प्रबंधक ने जेल के अंदर मारपीट करने वाले 4 कैदियों की शिकायत संयोगितागंज पुलिस को की है। वहीं संयोगितागंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। हाँ, जिला जेल से अभी एक प्रधान आरक्षक मनोहर सूर्यवंशी ने जेलर साहब की तरफ से एक लिखित में आवेदन लाके दिया है। उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि कोई बंदी है शादाब, उसके साथ में आदिल, सलमान, सिद्धू उर्फ शादाब एवं अरुण नाम के 4 बंदियों ने जिला जेल में किसी नुकीले सरियानुमा हथियार या ब्लेड से, संभवतः ऐसा लिखा है उन्होंने, उसकी मारपीट की है कोई पुरानी बात को लेकर। तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। एक घायल बताया उन्होंने, एक को चोट लगना बताया और उसका जिला जेल के स्टाफ के द्वारा ही दिन में उसकी MYH में OPD में कोई इलाज भी कराया गया है। अभी हम लोगों के पास में जस्ट अभी तहरीर आई है, तो उस पर से हम FIR पंजीबद्ध कर रहे हैं। बता दें इंदौर की जिला जेल में इससे पहले भी इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इंदौर की जिला जेल में ड्रग्स माफिया के 2 गिरोह बंद है और उन्हीं गिरोहों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उसके बाद जेल में ही मौजूद एक जेल प्रहरी के द्वारा गैंग में जेल के अंदर राजीनामा करवाने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसी दौरान दोनों गैंग में विवाद हो गया और विवाद के चलते एक गैंग ने दूसरे गैंग से जुड़े शादाब पर नुकीली वस्तु से हमला कर उसे घायल कर दिया। उसे दो आपसी में उनके झगड़ा हुआ है। जो सलमान इमरान की पार्टी, वो सलमान की तरफ से आपको निलंबित कर दिया दीपक तिवारी को। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद जेल प्रबंधन ने जेल प्रहरी दीपक तिवारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं पूरे मामले की सूचना भी अधिकारी को दी है। आने वाले दिनों में आला अधिकारी इंदौर की जिला जेल में पदाधिकारियों पर सख्त कार्यवाही कर सकते हैं।